हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट एसिड रेडिकल्स दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एग्जामिनेशंस एंड अंडर द सोल्ट एनालिसिस द एसिड रेडिकल आइडेंटिफिकेशन इज स्टडिड तो सबसे पहले हम अम्लीय मूलक कितनी कैटेगरीज होती हैं उनको डिटेक्ट करने की उस पर हम बात करेंगे पहला है ग्रुप ए ग्रुप ए में जितने भी आयन्स होंगे वो डाइल्यूट एच टोएसोफोर या हम डाइल्यूट एच सी एल भी यूज कर सकते हैं एज रिएजेंट। रिएजेंट उसको ऐड करने पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अंतर्गत कार्बोनेट्स सल्फाइड्स सल्फाइड्स नाइट्राइड्स और एसिटेट्स वाले सॉल्ट आते हैं इनकी एक विशिष्ट गंध होती है एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और उस आधार पर भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरा जो ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं वो हम कंसनट्रेटेड एस्ट्रोएसोफोर वाले ग्रुप कहलाता है और कंसनट्रेटेड एस्ट्रोएसोफोर ऐड करने पर हम उन सॉल्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं उन एसिड रेडिकल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ जो सॉल्ट्स हैं वो गैस या वेपर्स इवॉल्व करते हैं जब हम उनके अंदर कंसनट्रेटेड एच्रोसोफोर एड करते हैं ये ग्रुप ए के मेंबर्स को भी अपने साथ इंक्लूड करते हैं उसके अतिरिक्त फ्लोराइड्स क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स नाइट्रेट्स ऑक्जिलेट्स बोरेट्स, क्लोरेट्स इत्यादि इसमें शामिल हैं तो अभी हमने दो ग्रुप्स के बारे में बात की ग्रुप ए जिसमें हम डाइल्यूट एच या डाइल्यूट एच सी एल यूज़ करके एच या एच सी एल यूज़ करके हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें कार्बोनेट्स सल्फाइड्स सल्फाइड्स नाइट्राइड्स और एसीटेट्स आएंगे जबकि ग्रुप बी के जितने भी एसिड रेडिकल्स इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे वहां हम सांद्र एच टो एसो फोर या कंसनट्रेटेड एच टू एसो फोर का इस्तेमाल करेंगे उसको यूज करेंगे अब नेक्स्ट है ग्रुप सी ग्रुप सी के अंतर्गत वो वाले सॉल्ट का एनालिसिस होगा जो कि ना तो डाइल्यूट और ना ही कॉन्सेंट्रेटेड एच टू मात्र से आइडेंटिफाई किए जा सके यानी कि उसके अतिरिक्त भी हमें कुछ और उसमें ऐड करना पड़ेगा तब वो ग्रुप सी के जो सॉल्ट्स हैं उनका हम एनालिसिस कर पाएंगे ग्रुप सी में जो उपस्थित आयन्स हैं उनका हम एनालिसिस कर पाएंगे तो ये होते हैं सल्फेट्स फॉस्फेट्स फ्लोराइड्स तथा बोरेट्स तो तीन प्रकार के ग्रुप्स हैं जिसमें हम एसिड रेडिकल्स को हमने बांट दिया है डायल्यूट से डायल्यूट uh, एचरेसोफोर और एच सी एल कंसनट्रेटेड से और तीसरा जिसमें कंसनट्रेटेड या डायल्यूट एसिड एच्रोसोफोर के अतिरिक्त भी हमें कुछ और रिएजेंट उसमें ऐड करना पड़ेगा अब एसिड रेडिकल्स अम्लीय मूलक क्या होते हैं ये जो अम्लीय मूलक होते हैं ये किसी भी अम्ल से जब हम एच आयन को हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देते हैं तो वो अम्लीय मूलक बन जाता है जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर एच प्लस आयन को लूज़ करता है तो एच एस ओ फोर माइनस आयन बनाता है जो कि एक अम्लीय मूलक है और जो आयन हाइड्रोक्साइड आयन को रिमूव करने के बाद बनते हैं वो क्षारीय मूलक कहलाते हैं किसी भी जो भी आयन हाइड्रोक्साइड आयन को रिमूव करने के पश्चात शेष रह जाता है वो भास्मीय मूलक या बेसिक रेडिकल कहलाता है अब आज हम यहां पर ग्रुप ए वाले रेडिकल्स के विषय में बात करते हैं एसिड रेडिकल्स के विषय में बात करते हैं पहला ले लेते हैं हम कार्बोनेट तो जब हम कार्बोनेट वाला कोई सॉल्ट हमारे पास है और हम उसमें डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे तो बुदबुदाहट के साथ एक गंधहीन और रंगहीन गैस उत्पन्न होगी इवॉल्व होगी ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ तीव्र बुदबुदाहट के साथ और ये जो गैस है इसे हम जब चूने के पानी में से प्रवाहित करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा लेकिन जब हम गैस को उसमें से पास करते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उसका दूधियापन या मिल्कीनेस भी डिसपेयर हो गया है खत्म हो गया है तो ऐसा जो रेडिकल होगा वो होगा कार्बोनेट यहाँ आप देखिए रिएक्शंस क्लियर दिखी लिखी हुई हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर और ये कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम एच सी सी ए एच सी ओ थ्री ट्वाइस बनाएगा दूसरा है नाइट्राइट एन ओ टू माइनस जब हम इसे एसिड डाल करके इसके सॉल्ट को गर्म करते हैं तो भूरे रंग की फ्यूम्स देखने को मिलती हैं ब्राउन कलर की फ्यूम्स उत्पन्न होती हैं जब हम पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च सॉल्यूशन इसमें डालते हैं तो वो नीला रंग देता है यहाँ पर देखिए आप इक्वेशंस स्पष्ट हैं सामने तीसरा है सल्फाइड ये जब हम गर्म करते हैं तो सड़े हुए अंडों जैसी गंध इसमें से आती है और जब हम लेड एसिटेड से भीगा हुआ फिल्टर पेपर इसके पास इस गैस के पास ले जाते हैं तो वो काला हो जाता है ये एक टेस्ट है इसका दूसरा टेस्ट सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन इसमें डालते हैं तो पर्पल कलर हमें प्राप्त होता है तीसरी है चौथी है सल्फाइट एस ओ थ्री माइनस टू अब इस, इसमें जब हम एसिड डालकर के गर्म करते हैं तो एक कलरलेस गैस और तीखी गंध वाली जैसे गंधक जलता है ऐसी हमें स्मेल आती है ये एसिडिफाइड जो के टू सी आर टू ओ सेवन है सॉल्यूशन ग्रीन कर देता है उसको कार्बोनेट से थोड़ा अलग होता है नेक्स्ट है एसीटेट इसको जब हम हथेली पर रख करके और पानी भी मिलाएंगे तो हमें विनेगर जैसी स्मेल आएगी जब और इसका हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे और न्यूट्रल एफिसियल थ्री इसके अंदर डालेंगे तो ब्लड रेड कलर हमें प्राप्त होगा चौथा है थायोसल्फेट ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वैसे हमारे आरआरबीएम यूनिवर्सिटी में है नहीं लेकिन यदि हम इसमें भी ऐसा इसको गर्म करते हैं डाल करके तो सफेद या हल्के पीले रंग की टर्बिडिटी हमें प्राप्त होगी तो आज हमने ग्रुप ए के एसिड रेडिकल्स के विषय में चर्चा की है नेक्स्ट टर्न पे हम ग्रुप बी और ग्रुप सी के एसिड रेडिकल्स की बात करेंगे तत्पश्चात हम बेसिक रेडिकल्स या भास्मिक मूलक के विषय में चर्चा करेंगे थैंक यू सो मच